हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11 से। चैप्टर हमने लिया है रिलेशन एंड फंक्शन। हम फिर से अपने चार क्वेश्चन लिखे हैं जिसकी हम आज आपको रेंज निकालना सिखाएंगे। ये भी चार अलग ही टाइप के क्वेश्चन है। पिछले वीडियो में हमने सारे उन क्वेश्चनों का रेंज निकालना सिखाया है आपको जिसमें सारे साइन फंक्शन थे। इस बार थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन लिए हैं। और एक बात बताना चाहूंगा कि जब भी हम रेंज निकालते हैं तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मतलब कोई एक मेथड नहीं है, कोई एक फॉर्मूला नहीं है कि आप एक ही तरीके से सारे रेंज को निकाल जाएंगे। डोमेन में तो फिर भी आप एक ट्रेंड, एक तरीका लेके चल सकते हैं, रेंज में ऐसा नहीं है। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे आपको क्वेश्चनों का ट्रिक समझ में आता जाएगा। मैं वन बाय वन कोशिश करूंगा आपको बढ़िया से इसको बताने के लिए, ध्यान रखना है, ठीक है। तो चौथा में से पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहले क्वेश्चन का रेंज निकालना है, ये हमने क्वेश्चन लिख दिया है। रेंज एक्चुअल में होता है कि वाई जो आपका आएगा, जो एफ एक्स है, वो कहां से कहां तक लाई करेगा। अब ऑब्वियसली बात है वो आपके डोमेन की वैल्यू पर डिपेंडेंट करता है, ठीक है, डिपेंडेंट रहता है। तो आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर की बात करें तो एक्स स्क्वायर पूरा टर्म पॉजिटिव है। नीचे डिनोमिनेटर की बात करें तो एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव टर्म में आपको जोड़ रहे हो, तो पॉजिटिव टर्म में कुछ जोड़ोगे तो आपके पास एक पॉजिटिव टर्म ही आएगा, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया कि आंसर ये पूरा डिवाइड करने पर या तो एक पॉजिटिव नंबर, मतलब नेगेटिव नहीं आ सकता, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए मैं कुछ बताता हूँ यहाँ पर कैसे करना है कि नेगेटिव तो चेक ही नहीं करते हैं, फायदे कुछ नहीं, क्योंकि नेगेटिव चेक करने से भी पॉजिटिव ही आएगा। तो कम से कम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, चलिए जीरो, ठीक है। चलिए जीरो पुट करते हैं तो क्या पता चला, अगर एफ में हमने जीरो रखा तो ये हो गया जीरो अपॉन जीरो प्लस वन दैट इज इक्वल टू जीरो। मतलब x का वैल्यू जो कि डोमेन होता है, ठीक है, जीरो रखने पर मेरा पूरा एफ एक्स ही जीरो आ गया। और मुझे रेंज में हमेशा याद रखिए एफ एक्स ही डिफाइन करना होता है, रेंज का मतलब ही होता है y का वैल्यू, ठीक है। अच्छा चलिए अब वन रख के देखते हैं एक चीज, ठीक है, इस बार वन रख के देखते हैं क्योंकि जीरो पर तो जीरो आ गया, ठीक है। वन रख के देखते हैं तो वन रख के हमें क्या पता चला, देखिए 1 का स्क्वायर इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 1, 1 अपॉन 2। अब 1 रखने पर वैल्यू 1 से छोटा हो गया, ऐसा ही कुछ है। चलिए 2 रख के देखते हैं एक बार, 2 रख के देखते हैं तो f ऑफ 2 रखिए तो 2 का स्क्वायर इज 4, 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 1, 4 अपॉन 5। आप देख सकते हैं वैल्यू फिर 1 से छोटा हो गया, मतलब आप x में जीरो डालते हैं तो जीरो आता है, उसके बाद कोई भी वैल्यू डाल लो आप तो ये हमेशा वन से छोटा आता है। तो देखिए बन गया अपना रेंज, क्या है अपना रेंज, जीरो से वन, लेकिन वन से तो छोटा है, तो वन से छोटा है तो आप लगाएंगे इसमें एक ओपन ब्रैकेट, मतलब और जीरो के बराबर भी है और बड़ा भी आ सकता है, तो ये हो गया आपका क्लोज ब्रैकेट। तो इस क्वेश्चन का रेंज आया 0 टू 1, वेयर 0 हैज अ क्लोज ब्रैकेट एंड 1 हैज एन ओपन ब्रैकेट। क्योंकि जो वैल्यू जब डोमेन का आता है, कोई वैल्यू 0 से ऊपर डालने पर, तो हर बार वैल्यू अपनी 1 से छोटी हो जाती है, तो यू कांट इंक्लूड 1 हियर। तो वैल्यू 0 से 1 के बीच में है विद 0 इंक्लूडेड, इंक्लूडेड क्यों, क्योंकि 0 डालने पर तो 0 आ जाता है, बात समझ में आ गया। तो ये था इस क्वेश्चन का रेंज। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखते हैं, ट्रिकी है थोड़ा सा, लेकिन देखिए रेंज के लिए आपको मैंने शुरू में बताया था कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन ही समझना पड़ेगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस क्वेश्चन को पहले डोमेन निकालना सिखाऊं तो रूट के अंदर टर्म है, अब रूट में अगर कोई टर्म होगा तो एफ एक्स, मतलब ये जो टर्म है ये तभी एफ एक्स तभी डिफाइन हो सकता है जब ये टर्म जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर, ये हम डोमेन में काफी बात कर चुके हैं। तो इससे पता चला कि एक्स का वैल्यू बड़ा है या बराबर है वन के, अब ये डोमेन है ध्यान रखिएगा, लेकिन मुझे रेंज निकालना है तो एक्स का वैल्यू वन के बराबर या वन से बड़ा है। तो चलिए क्योंकि एक्स का वैल्यू है ना, तो एक्स का वैल्यू जब डाल देते हैं, देखिए एक्स कहां से कहां तक डाला जाता है ये डोमेन होता है, लेकिन जब एक्स डाला जाता है उससे जो एफ एक्स निकल के आता है, जो वाई निकल के आता है, वही रेंज होता है। तो चलिए अपनी डोमेन की वैल्यू डालते हैं, पहली वैल्यू कम से कम हमें यहां 1 डालते हैं, तो चलिए एक्स में 1 पुट करते हैं, ये हो गया 2 प्लस
जीरो तो टू आ गया। चलिए टू पुट करते हैं क्योंकि वन से बराबर है, वन से बड़ी वैल्यू पुट करनी है। टू पुट कीजिए एक्स की जगह, तो टू प्लस टू माइनस वन, तो टू प्लस टू माइनस वन इज वन, अंडर रूट वन इज वन इज थ्री। चलिए थ्री पुट कर लेते हैं, ये पुट करके दिखा देते हैं आपको। ये हो गया टू प्लस अंडर रूट थ्री माइनस वन इज टू, तो टू प्लस रूट टू, अब रूट टू होता है 1.414, तो वैल्यू करीब करीब 3.414 हो गया। कहने का मतलब ये है कि जब आपने अपने x की वैल्यू डालना शुरू की पहली वैल्यू, तो कम से कम वैल्यू 2 आई और अब उससे बढ़ती भी जा रही है। तो व्हाट इज द रेंज ऑफ योर फंक्शन हियर, द वैल्यू इज मिनिमम 2 और वो भी इंक्लूडेड, और कहां तक, इनफिनिटी। और इनफिनिटी तो इनफिनिटी इसलिए भाई 2 3 और 3.4 फिर 4 आ जाएगा, तो बढ़ती चली जाएगी और यहां पर भी वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी x की। तो ऑब्वियस बात है आपका जो रेंज है वो कम से कम 2 या उसके बराबर या उससे बड़ा ही होगा। कहां तक बड़ा होगा, अप टू इंफिनिटी। तो रेंज ऑफ फंक्शन इज 2 टू इंफिनिटी, जिसमें 2 है आपका एक क्लोज ब्रैकेट और इंफिनिटी को तो लगता ही नहीं कभी, तो हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है। ठीक है, चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ये तीसरा टाइप है, दो क्वेश्चन तो काफी आसान थे, अब जरा तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तीसरा क्वेश्चन अगर आप देखें रेंज निकालने के लिए, तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कोई रूट नहीं है, कुछ नहीं है इसके ऊपर। तो जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाएंगे। ये आपने ऑलरेडी 10th में पढ़ा होगा, लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूं क्या होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। मतलब मुझे एक होल स्क्वायर का फॉर्म बनाना है इधर, लेकिन ये तभी तरीका लगाया जाता है जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म हो। तो देखिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कैसे लगता है और क्या होता है। सबसे पहले अगर हम देखें तो आपको इस चीज पर ध्यान रखना होता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली बात यहां है भी नहीं, बढ़िया है। मान लीजिए होता 2 होता तो पूरे क्वेश्चन को 2 से डिवाइड करते, मतलब वो कोफिशियंट हटाना है हमें, यहां क्वेश्चन में है ही नहीं। वेरी गुड, अब क्या है एक्स का कोफिशियंट। अब एक्स का कोफिशियंट देखिए क्या है यहां पर, 1। 1 को आधा कीजिए, आधा कीजिए, दीजिए आधा कर दिया मैंने 1 को और स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, 1/4 आ गया। अब ये जो भी आपके पास स्क्वायर करके आया उसे एक बार जोड़ दीजिए, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, यही है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। सबसे पहले ये देखना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट नहीं होना चाहिए, है तो हटाइए। फिर चेक करना है क्या है एक्स का कोफिशियंट। एक्स का कोफिशियंट यहां 1 है, आधा करिए मतलब कहने का मतलब इनटू 1/2 कर दीजिए। ठीक है, या डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए और स्क्वायर कर दीजिए। जो भी स्क्वायर करके आया उसे जोड़ दीजिए, घटा दीजिए। अब देखिए यहां पर एक फॉर्मूला बन जाएगा आपके लिए, कैसे, ए स्क्वायर, फिर ये 1/4 बोल सकते हैं, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस का एक्स एक्चुअल में प्लस माइनस 2 ए भी करता है, देख लेते हैं माइनस 2 ए और बी, देखिए यह भी माइनस एक्स ही है, मतलब 1, 2 और ये 3 बचा क्या, माइनस 3 और माइनस का 1/4। इन तीनों ने मिलकर तो फॉर्मूला बना लिया ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस, ये हो गया आपका 4 3 12 और 13 माइनस का 13/4। ठीक है, इतना पार्ट आ गया। मैं इस तरह के होल स्क्वायर बनाने के लिए आपसे बोल रहा था। ठीक है, अब यहां समझिए ध्यान से, क्योंकि यहां पर x माइनस 1/2 पे होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये बात तो क्लियर है कि आप यहां कोई सी वैल्यू पुट कर दीजिए। आप यहां 0 पुट कर सकते हो, कोई नेगेटिव वैल्यू या कोई पॉजिटिव वैल्यू, आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये बात समझ में आ गया। अब पॉजिटिव नंबर में सिर्फ माइनस हो रहा है 13/4, तो एक बात तो क्लियर है कि वैल्यू कम से कम या तो माइनस 13/4 रहेगी या तो उससे बड़ी है, छोटी नहीं आ सकती। ऑब्वियस ही बात है यार, आप यहां कोई सी वैल्यू रख लो, इवन आप अगर 0 पे रखोगे तो कम से कम माइनस 13/4 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, मतलब अगर ये पूरा टर्म 0 भी हो जाएगा तब ये टर्म माइनस 13/4 आएगा, और अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू आ गई यहां पर तो ये कम हो जाएगा। अच्छा, नेगेटिव आ ही नहीं सकती, ये बात भी क्लियर है क्योंकि स्क्वायर लग रहा है। तो हमारा जो रेंज है वो कम से कम क्या होगा, माइनस 13/4 होगा, या तो कम से कम माइनस 13/4, और 13/4 क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि ये
अगर मान लीजिए ये पार्ट पूरा जीरो हो जाए तब भी तो आंसर -35/4 ही आएगा इसका, x की किसी भी वैल्यू को रखने पर। तो ये हो गया रेंज की, कम से कम या तो 35/4 आएगा या उससे ज्यादा आएगा। कितना ज्यादा आएगा पता नहीं, इंफिनिटी, और उसको दे दिया हमने ओपन ब्रैकेट। तो ये हमारा हुआ रेंज फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बहुत लॉजिक क्लियर होना चाहिए आपको। ये क्योंकि स्क्वायर लग रहा है तो कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, या तो जीरो आ सकता है या पॉजिटिव आ सकता है। अगर जीरो आ गया ये वाला पार्ट टर्म, तो जीरो में से -35/4 माइनस करोगे तो -35/4 तो आएगा ही आएगा। अगर टर्म पॉजिटिव आया तो ये वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ऑब्वियसली मतलब -35/4 को जोड़ोगे ना तो वैल्यू थोड़ी सी हाँ बढ़ जाएगी। तो अगर बढ़ेगी ऑब्वियसली बात है कहां तक बढ़ सकती है भाई, बहुत मान लो 14 आ गया तो 14 में से आप माइनस करोगे तो बढ़ गई ना वैल्यू आपकी, तो ऑब्वियसली बात है या तो 35/4 आएगा माइनस का या ज्यादा आएगा। ज्यादा कितना अप टू इंफिनिटी, वो तो आपके इस पर डिपेंड करता है कि आप x की कितनी वैल्यू पुट करते हो। सो व्हाट द रेंज फॉर द फंक्शन इज -13/4 टू इंफिनिटी। -13/4 को मिला आपको क्लोज ब्रैकेट, और इंफिनिटी को तो लगता ही नहीं कभी क्लोज ब्रैकेट, इट्स एन ओपन ब्रैकेट। तो ये रहा आपका रेंज, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर चौथे क्वेश्चन को देखें तो बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका कि fx इज इक्वल टू x² - x+1 अपॉन x² + x+1। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो थोड़ा इसका भी ट्रेंड हटके ही है, ये पिछले वाले क्वेश्चनों से मेल नहीं खा रहा है, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का क्वेश्चन है। तो क्या कीजिए, इसको लेट कर लीजिए y, और क्वेश्चन को कुछ इस तरह से लिखिए लेट y इज इक्वल टू x² - x+1 अपॉन x² + x+1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और पूरी वैल्यू जो x की फॉर्म में है उसे y की फॉर्म में बनाते हैं, देखिए कैसे। तो ये हो गया y x² + yx + y, इसको इधर ले आइए -x² + x - 1 = 0, ठीक है। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया है और फिर माइनस को पूरी वैल्यू को इधर ले आया। अब रीअरेंज कर लेते हैं जरा, पहले x² कॉमन ले लेते हैं, तो आएगा 1y - 1x² इस बार x कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो हो जाएगा y + 1x, और फिर इंडिपेंडेंट वाला टर्म जो x होगा ही नहीं, y - 1 = 0। जैसे कि आप देख सकते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, क्या देखिए ax² + bx + c = 0, ठीक है, और वो भी y की टर्म में। अब एक चीज सीखा होगा आपने 10th में जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट जिसको डिनोट करते हैं d से, और इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अगर ये वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर हो तो रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड इक्वल। और वैसे बात है आप चाहते ही नहीं कि ये कभी नेगेटिव हो, तो कम से कम 0 हो या 0 से बराबर हो, 0 हो या फिर 0 से बड़ी हो। अब 0 के बराबर है 0 से बड़ी होने के लिए ये रियल फंक्शन होना चाहिए, तो कंडीशन होता है इसका लिख दिया है मैंने कि b² - 4ac > 0। तो चलिए अप्लाई करते हैं यहां से, तो आपका a है y - 1, तभी आपके पास आंसर y फॉर्म आएगा, और b है आपका y+1 और c है आपका y-1। लगाइए कंडीशन, तो b² क्योंकि आपको वैल्यू रियल या तो इक्वल चाहिए 0 के या 0 से बड़ी चाहिए, ठीक है, ओके। तो y² तो मतलब b² - 4ac > 0। चलिए इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर बोलते हैं, a² + b² + 2ab - 4, ये लिखा है y - 1 का होल स्क्वायर > 0। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट y² + 1 + 2y फिर -4। अब y - 1 का होल स्क्वायर बोलिए a² + b² - 2ab > 0, खोलिए ब्रैकेट, तो y² + 1 + 2y - 4y² - 4 + 8y > 0।
नेक्स्ट देखिए, ये हो गया आपके पास माइनस का 3y2, ठीक है, फिर प्लस का 10y, माइनस का प्लस का 1 और माइनस का 4 इज माइनस का 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चेक कर लेते हैं एक बार, माइनस का 3y2 प्लस का 10y और माइनस का 3, y से माइनस का साइन हटाते हैं तो सारे साइन रिवर्स हो जाएंगे और इनइक्वालिटी भी रिवर्स हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखें। अब करते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, तो 3 और 3 9 हो गया। अब 9 को इस तरह से एडजस्ट करें कि आंसर में माइनस 10 आ जाए, तो 3 3 9 3 1 3, तो देखिए तो 3y2 9 और 1 10, माइनस का 9y माइनस का y प्लस का 3 लेस देन इक्वल टू 0। अब 3y कॉमन, तो y माइनस 3 माइनस 1, y माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, तो y माइनस 3 3y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब जैसे कि आपको हमने डोमेन में भी दिखाया था कि जब दो नंबरों का प्रोडक्ट आ जाए, ठीक है, तो इनका आपको पहले वैल्यू कहां से कहां तक ट्राई करेगा वो निकालना पड़ता है। तो देखिए यहां y का वैल्यू हो गया 3 और 1/3, साइड में लिख लेते हैं 3 और 1/3, लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं होगा, क्यों बताता हूं। देखिए ये लिखिए, पहले रखते हैं 1/3 और फिर रखते हैं 3। अब पहले चेक करना पड़ेगा आपको कि आपका फंक्शन कौन से लिमिट्स के बीच में लाई करेगा, बिल्कुल ये हमने डोमेन में बहुत बार आपको करना सिखाया है। चलिए देखिए, तो 3 से बड़ा वैल्यू हमेशा पहले क्या कीजिए, नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, फिर दोनों जो y का पॉइंट आपके पास है, देखिए यहां से 3 आएगा और यहां से 1/3 आएगा, उन दोनों को प्लॉट कर लीजिए नंबर लाइन पर। आपका सीन इंटरवल है माइनस इंफिनिटी से 1/3, 1/3 से 3 और 3 से इंफिनिटी, तो ये सारे इंटरवल आपके आंसर नहीं है, कुछ पर्टिकुलर ही होंगे, उसी पर ध्यान रखना है। अब देखिए 3 से बड़ा कोई नंबर ले लीजिए 4 यहां पर, ठीक है, और पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में आपके, तो 4 माइनस 3 इज 1 पॉजिटिव, हमें तो यहां नेगेटिव पॉजिटिव चेक करना है, ठीक है, और 3 × 4 और माइनस 1 ये हो गया 1 और 12 − 1 = 11, आंसर तो आ गया पॉजिटिव। तो पक्की बात, ऑल्टरनेटिव होता है ये नेगेटिव और ये होता है पॉजिटिव, ये वाली बात हम आपको पहले बता चुके हैं, डोमेन में काफी बार करके दिखाया है, डोमेन वाले वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं कि इसको कैसे करते हैं फिर से, ठीक है। अब आपको इंटरवल मिल गई पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन देखिए आपको क्या चाहिए, आपको तो यहां पर चाहिए लेस देन जीरो, लेस देन जीरो का मतलब होता है नेगेटिव, तो आपका जो रेंज का लिमिट आया वो आया 1/3 से 1 तक। अब 1/3 से 1 तक में दोनों को मैंने क्लोज ब्रैकेट दिया है, क्लोज ब्रैकेट इसलिए क्योंकि दोनों के पास इक्वल टू मौजूद है। तो ये थे हमारे चारों क्वेश्चन, और लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर आपको याद रखना है इस चीज के लिए, ठीक है, जो मैंने अभी करके दिखाया, तो हमारा रेंज है -1/3 to 1 और दोनों में ही क्लोज ब्रैकेट है क्योंकि आपके पास इक्वल टू मौजूद है, ठीक है। तो दैट इज माय फाइनल। हमारे व्यूअर्स को अगर हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप कमेंट शेयर लाइक कर सकते हैं, आप अपना क्वेरी भेज सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी नीचे लिखा हुआ आ रहा है, आप अपना क्वेरी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे लिखा हुआ आ रहा है।